नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप की। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में कंटेस्टेंट्स लगातार अपनी पर्सनल लाइफ के राज खोलते नजर आ रहे हैं। इन सितारों के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानकर तो कंगना रनौत भी हैरत में पड़ जाती हैं। इस बार टीवी एक्टर करणवीर वोहरा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। लॉकअप के कंटेस्टेंट से बात करते हुए करणवीर वोहरा ने दावा किया कि वो बीते 7 सालों में कर्जदार बन चुके हैं। काम न मिलने की वजह से करणवीर की हालत खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, करणवीर पर कई केस भी चल रहे हैं। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में बात करते हुए करणवीर ने कहा, मैं बीते 7 सालों से टीवी में कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कई लोगों से कर्जा ले रखा है, मैं लोगों के रुपए वापस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर 4-5 केस भी चल रहे हैं। मैं कर्ज में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं चाहकर भी खुद को कर्जे से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। आगे करणवीर वोहरा ने कहा, साल 2015 से लेकर मैंने जो भी काम किया है उसकी कमाई कर्जा उतारने में गई है। कर्जा न चुका पाने की वजह से लोग मुझे कोर्ट में घसीट चुके हैं। मुझ पर इस समय 4-5 केस चल रहे हैं। मुझे अपने परिवार के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो वो अपनी जान दे चुका होता। ये शो मेरे लिए एक लाइफलाइन है। करणवीर वोहरा की बातें सुनकर सारा खान, गीता फोगाट और साइशा काफी हैरान हो गई। आपको बता दें कि करणवीर वोहरा को लॉकअप में काफी पसंद किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही अपनी बेटियों को याद करके करणवीर वोहरा लॉकअप में रोते देखे गए थे। लॉकअप में करणवीर वोहरा का ये हाल देखकर तो फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। आपका इस पर क्या टेक है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।